अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट इज सर्टेन बाय सीडीबी प्रॉपर्टी से मैं हूँ फहद खोजा। व्यूअर्स, लाहौर शहर के अंदर इस टाइम बहुत सारी कोऑपरेटिव और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की, लोगों को एक शानदार लाइफस्टाइल दिया, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दी। और इन्हीं के अंदर ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आज की डेट में 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं, वहाँ पर आज भी अगर हम देखें तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। लाहौर शहर के अंदर इस टाइम सबसे टॉप की जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है, वो या तो बैरी टाउन लाहौर के अंदर है या DHA के अंदर है। आज की वीडियो में हम बैरी टाउन लाहौर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस टाइम अगर आप बैरी टाउन लाहौर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई भी एसेट बनाना चाह रहे हैं जो 5 साल बाद 8 साल बाद जब भी आप सेल आउट करें तो आपको एक ज़बरदस्त मुनाफा हो, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, या फिर अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल देना चाह रहे हैं, तो बैरी टाउन लाहौर की किस लोकेशन को आपको चूज़ करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। बैरी टाउन में इस टाइम व्यूअर्स काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम DHA में जाते हैं तो वहाँ पे फेजेस चल रहे हैं, Phase 1, Phase 2, Phase 3 up to Phase 13 तक। इसी तरह बैरी टाउन में फेजेस के बजाय सेक्टर्स चल रहे हैं, Sector A, Sector B, Sector C up to Sector H। आज की डेट में बैरी टाउन में इस टाइम 8 सेक्टर्स हो चुके हैं, सेक्टर ए से लेकर सेक्टर एच तक। आज की वीडियो में हम बैरी टाउन के सेक्टर एफ को लेकर डिस्कशन करेंगे। बैरी टाउन में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सेक्टर एफ के अंदर हैं, और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है और सबसे कम जो प्राइसेस हैं वो सेक्टर एफ के अंदर चल रही हैं। सेक्टर एफ के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें पहला ब्लॉक तुहीद ब्लॉक है, उसके बाद शेशा ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है, गजनवी ब्लॉक की बड़ी कमाल की डेवलपमेंट है, टीपू सुल्तान ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके अलावा गाजी ब्लॉक भी है, आलमगीर ब्लॉक भी है, सिकंदर ब्लॉक भी है। लेकिन पहले हम फैसिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्टर एफ के अंदर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको इसको चूज़ करना चाहिए। आइफल टावर का तो व्यूअर्स आपको आइडिया होगा, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ने आइफल टावर का रेप्लिका बनाया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले जो आइफल टावर का रेप्लिका बना वो बैरी टाउन लाहौर के अंदर है, और पूरे बैरी टाउन के अंदर सेक्टर एफ के तुहीद ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ये आइफल टावर का रेप्लिका है, जहाँ पर हर साल लाहौर के अंदर जब भी फायरवर्क होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, मेजॉरिटी जो लाहौर के लोग हैं वो बैरी टाउन लाहौर का रुख करते हैं और आइफल टावर के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त फायरवर्क किया जाता है। इसी आइफल टावर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सेक्टर एफ का जो पहला ब्लॉक है तुहीद ब्लॉक, उसकी मेन एंट्रेंस मेन बुलेवार्ड के ऊपर बैरी टाउन लाहौर का सबसे बड़ा मॉल जैस्मिन गेट मॉल बन रहा है, और सबसे कमाल की चीज़ है कि आज की डेट में 90-95% उसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है। एक्सपेक्टेडली 1 से 1.5 साल में उसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, क्लोथिंग के ब्रांड्स भी होंगे, बच्चों के ब्रांड्स भी होंगे, वेडिंग के बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, IT इलेक्ट्रॉनिक के काफ़ी सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो ये बैरी टाउन लाहौर के लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, और सेक्टर एफ के लोगों के लिए इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि ये सेक्टर एफ के पहले ब्लॉक के अंदर बन रहा है। अगर आप कोई LED बाय करना चाह रहे हैं, फ्रिज बाय करना चाह रहे हैं, घर के अंदर, किचन के अंदर जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो तमाम तर आपको इम्तियाज़ सुपर मार्केट में मिल जाते हैं। तो अगर आप बैरी टाउन में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लाहौर के किसी दूर दराज एरिया को अप्रोच नहीं करना, बल्कि बैरी टाउन सेक्टर एफ के अंदर जो एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चाहे आप ग्रोसरी करना चाह रहे हैं, आपको किचन की कोई अप्लायंसेज चाहिए, होम अप्लायंसेज चाहिए, कोई क्रोकरी चाहिए, हर चीज़ आपको इम्तियाज़ सुपर मार्केट में मिल जाती है। इसी के करीब बैरी टाउन सेक्टर एफ के एक और बड़े ज़बरदस्त ब्लॉक गजनवी ब्लॉक के अंदर आज से 1 साल पहले बैरी टाउन मैनेजमेंट की तरफ से विंटरलैंड बनाया गया था, जहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, आर्टिफिशियल स्नोफॉलिंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त राइड्स हैं, और जिस टाइम के ऊपर आज से 1 साल पहले की ऑपरेशन हुआ था, ना सिर्फ बैरी टाउन के डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट ब्लॉक से बल्कि पूरे लाहौर के तमाम तर एरिया से, गुलशन आवी, समनाबाद, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, वलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, हर एरिया से लोगों ने इसको अप्रोच किया, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए विंटर लैंड को अप्रोच किया। तो ये भी बैरी टाउन सेक्टर एफ के अंदर इस टाइम ऑपरेशन है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सेक्टर एफ के अंदर जिस लोकेशन के ऊपर आइफल टावर है, इम्तियाज सुपरमार्केट है, इसी लोकेशन के ऊपर बैरी टाउन की मैनेजमेंट एक डॉल्फिन पूल पार्क बना रही है, और ये पाकिस्तान का पहला डॉल्फिन पूल पार्क होगा। जिस टाइम के ऊपर ये ऑपरेशन होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा, पूरे लाहौर से लोग इसको अप्रोच किया करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आज की डेट में इस टाइम 50-60% इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एक्सपेक्टेडली 1 से 1.5 साल के अंदर इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। फिर बैरी टाउन सेक्टर एफ का जो टीपू सुल्तान ब्लॉक है, बैरी टाउन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल बना रहा है। आज से 10 साल पहले अगर आप सेक्टर सी को देखें तो यहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी यहाँ पे ब्रांड नहीं था, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल नहीं था, फिर बैरी टाउन ने इसको डेवलप किया। आज की डेट में पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो सेक्टर सी में ऑपरेशन ना हो। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितने भी बैंक्स हैं, फास्ट फूड चेन्स, रेस्टोरेंट के जो टॉप नॉच प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जो सबसे फेमस ब्रांड्स हैं, वो आज की डेट में सेक्टर सी में ऑपरेशन हो चुके हैं। आइसक्रीम के पार्लर्स हैं, शूज़ के ब्रांड्स हैं, फार्मेसीज के सारे आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं, यानी कि हर चीज़ आपको सेक्टर सी में ऑपरेशन मिल जाती है।
अब बैरियर क्या कर रहा है सेक्टर एफ के अंदर, इससे भी बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब बना रहा है और यहाँ पे इस टाइम हाईरेस्ट बिल्डिंग्स बनी है, जिस तरह आप दुबई में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपको जो बड़ी बड़ी हाईरेस्ट बिल्डिंग्स मिलती हैं, इसी तरह सेक्टर एफ के अंदर बैरिया इस टाइम एक कमर्शियल हब बना रहे हैं, जहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, जहाँ पे आपको तमाम तरह क्लोथिंग के ब्रांड्स मिलेंगे, ज्वेलरी के ब्रांड्स मिलेंगे, शूज़ के ब्रांड्स मिलेंगे। तो सेक्टर एफ का आज से 3 से 4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी कमर्शियल हब के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट 5-स्टार लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिनको आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेंटल इनकम के लिए, एक अच्छे कैपिटल गेन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त, एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट साबित होगी। बैरियर टाउन में इस टाइम अगर आप कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं सेक्टर एफ के अंदर, हम प्राइसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मल्ला का प्लॉट इस टाइम 68 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 1 करोड़ 15 लाख तक इस टाइम प्राइसेस हैं। 10 मल्ला का जो प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस 95 लाख से स्टार्ट हो रही है, जो गाजी ब्लॉक में हमें मिल जाता है, और अगर हम हायर साइड की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम प्राइस इस टाइम 1 करोड़ 75 लाख तक भी जा चुकी हुई है। जबकि जो बैरियर टाउन के बाकी सेक्टर्स हैं उनमें जो 10 मल्ला का प्लॉट है उसकी प्राइस 2.5 करोड़ तक भी जा चुकी हुई है। तो एक जगह पे अगर आपको 2.5 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है और सेक्टर एफ के अंदर अगर आपको मैक्सिमम प्राइस 1 करोड़ 70 लाख तक भी मिल रही है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। अपार्टमेंट्स प्लॉट्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। बैरियर टाउन में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका प्लॉट है जिसकी आप मार्केट वैल्यूएशन जानना चाह रहे हैं, उसको सेल आउट करने के लिए आपको CDB प्रॉपर्टीज़ की कोई भी असिस्टेंट चाहिए, या कोई भी अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई आप बाइंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 0333-111-4300। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।